शलभूति के चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनका ही ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माँ शलभूति के चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनका ही ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्र का वंदन होता है पहले दिन, माँ शैलपुत्र का वंदन होता है पहले दिन। प्रथम रूप ये नव दुर्गा का माँ शैलपुत्री, भक्तों के कल्याण को जो धरती पर उतरी। जब जब भी शुरुआत भक्तों नवरात्रों की हो जाए, शैलपुत्र के रूप में ही सब माँ का ध्यान लगाए। आज तो भक्तों हो गई है नवरात्रों की शुरुआत, माता के भक्तों के लिए खुशियों की सौगात। करेंगे पूजा पाठ और कुछ तो उपवास करें, माता अपने भक्तों पर कृपा है खास करें। माता के चरणों में जो भी शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनका ही ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्र का वंदन होता है पहले दिन, माँ शैलपुत्र का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, आज से माता के पावन नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। पावन नवरात्रों का ये त्योहार माता के भक्तों के लिए एक अनमोल उपहार की तरह है। नवरात्रों में भक्तजन माता के नौ रूपों की आराधना करते हैं। भक्तों, प्रथम नवरात्रि में माता शैलपुत्री का ध्यान लगाया जाता है। आज के दिन हम माता शैलपुत्री की महिमा और कथा का वर्णन कर रहे हैं। भक्तों, तो आइए सुनते हैं माँ शैलपुत्री की ये पावन कथा। पर्वत राज हिमालय के घर माँ का जन्म हुआ, शिला राज की पुत्री तो बनकर जब आई, नामकरण जब इनका हुआ तो शैलपुत्री कहलाई। एक नाम इनका कहते हैं माता पार्वती, पर्वत की पुत्री होने से बड़ा है नाम यही। नगर के वासी कन्या जन्म की खुशी मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनका ही ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्र का वंदन होता है पहले दिन, माँ शैलपुत्र का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, जब राजा हिमालय और मैनावती के घर में माता ने जन्म लिया, तो सारे ही नगर में मंगल गान हुए। भक्तों, आकाश से देवी देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। माता शैलपुत्री के मुखमंडल पर बड़ा ही अद्भुत तेज था। राजा हिमालय इन्हें पुत्री रूप में पाकर फूले नहीं समा रहे थे। राजा हिमालय बड़े प्रसन्न है कन्या ने जन्म लिया, राजकोष इस खुशी में अपना उन्होंने खोल दिया। सोना चांदी हीरे मोती और किया गोदान, राजा हिमालय के लिए आज तो दिन है बड़ा महान। नामकरण के लिए अनेकों पंडित बुला
राजा। पिछले जन्म में दक्ष की कन्या थी, वो बताते हैं पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनका ही ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन, माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, माता शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में राजा दक्ष की कन्या थी, जिनका नाम सती था। भक्तों, राजा दक्ष की दो पत्नियां थी, दोनों ही पत्नियों से उनको 84 कन्याएं उत्पन्न हुई। भक्तों, जब सभी कन्याएं ब्याह के योग्य हो गईं, तो राजा दक्ष ने उचित वर खोज करके कन्याओं का विवाह करना चाहा, किंतु माता सती तो जन्मों जन्मों से भोलेनाथ की अर्धांगिनी थी। भक्तों, उन्होंने पिता के ना चाहते हुए भी भोलेनाथ को ही वर के रूप में चुना। भोलेनाथ को माता सती ने पति रूप में चाहा, पिता के ना चाहते हुए भी उनसे ब्याह रचाया। माता सती और भोलेनाथ फिर चले आए कैलाश। एक दिन राजा दक्ष के घर में उत्सव हुआ है खास, महायज्ञ एक राजा ने अपने यहाँ कराया। निमंत्रण महायज्ञ का है, सब देवों को भिजवाया। राजा दक्ष को क्योंकि भोले पसंद ना आते हैं, निमंत्रण उनको महायज्ञ का नहीं भिजाते हैं। आकाश मार्ग से सभी देवता यज्ञ में जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनका ही ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन, माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, क्योंकि माता सती ने भोलेनाथ से अपने पिता की आज्ञा के बिना ही विवाह किया था, इसीलिए राजा दक्ष उन्हें नापसंद करते थे। भक्तों, जब राजा दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया, तो भोलेनाथ के पास यज्ञ का निमंत्रण नहीं भिजवाया, बाकी सभी देवी देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित किया। जब आकाश मार्ग से सभी देवता यज्ञ में जा रहे थे, तो माता सती भोलेनाथ से पूछने लगे, भक्तों, भोलेनाथ मुझे ये बताएं क्या है ये आयोजन। आकाश मार्ग से जा रहे हैं सभी देवतागण। भोलेनाथ ने माता सती से फिर इतना ही कहा, महायज्ञ का आयोजन है राजा दक्ष किया। इतना सुनकर चाहिए स्वामी फिर तो हमको भी, लेकिन भोलेनाथ ने माता को समझाया है, आपके पिता का हमको निमंत्रण ना आया है। बिना बुलाए किसी के घर में ना कभी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनका ही ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन, माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, माता सती भोलेनाथ से कहने लगी कि हे नाथ, वो तो मेरे पिताश्री का ही घर है, अपने पिता के घर में जाने के लिए भला आमंत्रण की क्या आवश्यकता है। मेरे पिता के घर में महायज्ञ का आयोजन है, तो हमें अवश्य चलना चाहिए। तो भोलेनाथ कहने लगे, देवी, कभी भी बिना निमंत्रण के किसी के यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता सती ने यज्ञ में जाने की जिद की, तो भोलेनाथ ने उन्हें अकेले ही यज्ञ में जाने की आज्ञा दे दी और साथ में नंदी को भी भेज दिया। भक्तों,
बचाई, यज्ञ में जाने की माता को दे दी फिर आज्ञा। भोलेनाथ ने नंदी को है उनके साथ भेजा। माता सती जब अपने पिता के घर में आई है, उनके पिता ने नजरें भी ना उनसे मिलाई है, शिव की बात पर अब तो यकीन हुआ। अतिथि बिना बुलाए ना कभी आदर पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनका ही ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन, माँ शैलपुत्री का वंदन होता। भक्त जनों, माता सती जब शिव की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर में आई तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि जैसा शिव ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। ना तो पिता ने उनकी ओर देखा और बहनों ने भी उन्हें अनदेखा कर दिया। सिर्फ माता ने उनको गले से लगाया। अब माता सती यज्ञशाला में आ गई। उन्होंने देखा यज्ञशाला में सबके लिए उचित स्थान बने हुए हैं, किंतु शिव के लिए कोई भी स्थान निर्धारित नहीं था। इतना देखकर माता सती को बड़ा ही क्रोध आया और कहने लगी, हे पिताश्री, यज्ञ के स्वामी तो स्वयं भोलेनाथ ही हैं, आपने उनके लिए कोई भी स्थान नहीं रखा, आपका ये यज्ञ कभी भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। यज्ञशाला में भोले का जो अपमान हुआ, अपने स्वामी का अपमान न उनसे सहा गया। बोली माता अपने पिता से शिव का किया अनादर, यज्ञ के स्वामी माने जाते हैं खुद भोले शंकर। उनके बिना यज्ञ कोई भी पूर्ण नहीं हो पाए। माता सती के क्रोध की ज्वाला फिर तो भड़क ही जाए। कैसे भला वो सह सकती है भोले का अपमान। हवन कुंड में कूद गई माँ, त्याग दिए है प्राण। यज्ञ में आए जितने अतिथि सब डर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनका ही ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन, माँ शैलपुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, माता सती ने क्रोधित होकर हवन कुंड में स्वयं की आहुति दे दी। इतना देखकर वहां आए सभी देवता और ब्राह्मण बड़े ही घबरा गए। उन्हें ज्ञात था कि अब भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ेगा राजा दक्ष को। वहां खड़े नंदी ने जब ये नजारा देखा तो उन्होंने तुरंत भोलेनाथ को खबर कर दी कि माता सती ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इतना सुनते ही भोलेनाथ के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा भक्तों, और तुरंत वहां पर उपस्थित हुए। आइए सुनते हैं आगे की कथा। भोलेनाथ के क्रोध की अब तो भड़क गई ज्वाला, धरती अंबर लगे कांपने और यज्ञशाला। वीरभद्र का भोले ने फिर तो निर्माण किया, आकर जिसने यज्ञशाला को खंडित है कर दिया। क्रोधित होकर शीश दक्ष का काट गिराया है, भोलेनाथ ने जलती हुई सती को उठाया है। तीसरा नेत्र खोल दिया और लगे है तांडव करने, पर ले कहीं ना जाए ये देख लगे सभी डरने। ब्रह्मा जी फिर विष्णु जी को वहां बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनका ही ध्यान लगाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। माँ शैल पुत्री का वंदन होता है पहले दिन, माँ शैल पुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्तजनों, जब भोलेनाथ जलती हुई सती को लेकर तांडव करने लगे तो सभी देवता घबरा गए, क्योंकि भोलेनाथ के क्रोध को सहन करने की क्षमता तीनों लोकों में किसी के पास ना थी। भक्तों, तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को बुलाकर कहा कि हे विष्णु जी, भोलेनाथ के क्रोध को कम करने का कोई तो उपाय कीजिए, वरना इस सृष्टि को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता है। विष्णु जी ने सोचा, जब तक भोलेनाथ के हाथों में जलती हुई सती है तब तक इनका क्रोध कम नहीं होगा, और उन्होंने तब अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर सती के अंगों को यहाँ वहाँ बिखरा दिया। भक्तों, विष्णु जी ने छोड़ दिया है भक्तों अपना सुदर्शन, कट कर लगे बिखरने फिर तो माता सती के अंग। माता सती के अंग जहाँ पर गिरते जाते हैं, शक्तिपीठ वो आज तक भक्तों कहलाते हैं। विष्णु जी ने भोलेनाथ को फिर तो समझाया, राजा दक्ष अपनी भूल पर फिर तो बड़ा पछताया। वीरभद्र ने किंतु उनका शीष है काट दिया, क्षमा याचना की तो शीष बकरे का लगा दिया। होकर के फिर वैरागी कैलाश वो आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनका ही ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैल पुत्र का वंदन होता है पहले दिन, माँ शैल पुत्र का वंदन होता है पहले दिन। तो भक्तजनों, भोलेनाथ ने आखिर विष्णु जी की विनती मान ली और राजा दक्ष को भी अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, तो उन्होंने राजा दक्ष को क्षमा तो कर दिया, किंतु वीरभद्र ने उनका शीश काट दिया था भक्तों, और यज्ञ पशु बकरे का शीश लगा दिया, और स्वयं वैरागी होकर कैलाश चले आए भक्तों। अब माता सती का अगला जन्म राजा हिमालय के घर में हुआ भक्तों। राजा हिमालय घर जन्मी तो पिछले जन्म सती, शैल पुत्री और उमा जिन्हें कहते हैं पार्वती। प्रथम रूप ये नव दुर्गा का भक्तों कहलाता, तभी प्रथम नवरात्रि के दिन है पूजा जाता। जन्मी है बन कर के माता राजा हिमालय पुत्री, इसीलिए तो भक्तों इनको कहते हैं शैल पुत्री। शैल पुत्री के रूप का जो भी ध्यान लगाते हैं, शिला के जैसे उनके होते मजबूत इरादे हैं। सोए हुए तो भाग्य भी भक्तों के जग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनका ही ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैल पुत्र का वंदन होता है पहले दिन, माँ शैल पुत्र का वंदन होता है पहले दिन। तो भक्तजनों, ये है माता शैल पुत्री के जन्म की कथा। प्रथम नवरात्रों में माता के इसी सुंदर रूप का पूजन किया जाता है भक्तों, तो आइए जानते हैं इनकी पूजा की विधि। प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त उठ जाना चाहिए, सबसे पहले स्नान ध्यान से निर्वृत हो जाइए। कलश की स्थापना सबसे पहले की जाए, श्री गणेश का ही सूचक इस कलश को माना जाए। माँ के सिंहासन के लिए एक चौकी वहाँ लगाए, लकड़ी की चौकी के ऊपर कपड़ा लाल बिछाए। माता की तस्वीर लिखे चौकी पिकर स्थापना,
लड़के माता को श्रृंगार कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनका ही ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैल पुत्री का वंदन होता है पहले दिन, माँ शैल पुत्री का वंदन होता है पहले दिन। भक्त जनों, माता शैल पुत्री को श्वेत पुष्प और श्वेत मिष्ठान अति प्रिय होते हैं, अतः माता को श्रृंगार करके चंदन तिलक लगाकर श्वेत पुष्प अर्पित करने चाहिए और श्वेत मिष्ठान का भोग भी लगाना चाहिए। पूजा पाठ के पश्चात घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें और शैल पुत्री के मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। भक्तों, माता शैल पुत्री की कथा सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए भक्तों, प्रेम से बोलिए माता शैल पुत्री की। श्रद्धा भाव से करते हैं जो शैल पुत्री का वंदन, उन भक्तों के घर में बरसता सदा ही भक्तों अनधन। माता शैल पुत्री भक्तों पे कृपा बरसाई, पहले नवरात्रि में जो भी इनका ध्यान लगाए। झुकाता आपकी कृपा बनी रहे सदा ही शैल पुत्री माता। फौजी सुरेश के सर पे भी तो आपका ही है हाथ, ज्योति तिवारी को भी बिन मांगे दी ऐसी सौगात। करती है महिमा वर्णन तो सब सुनना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पहले नवरात्रि में इनका ही ध्यान लगाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। माँ शैल पुत्री का वंदन होता है पहले दिन, नवरात्रों का आज प्रथम दिन। माता शैल पुत्री का पूजन करके भक्तों इन्हें मना लो, दुर्गा की कृपा पालो। जब जब हो पहला नवरात्रा इसी रूप को पूजा जाता, शैल पुत्री माँ कृपा है करती, खुशियों से झोलियाँ है भरती। शैल पुत्री इन्हें
सी माँ कहने लगी, आखिर है वो मेरे पिताश्री, क्या हो जो हमें नहीं बुलाया। पुत्री का इतना अधिकार है अपने पिता का, जो घर बार है उसको निमंत्रण चाहे ना आए।
करी सवारी, लगती है इस रूप में प्यारी, डमरू और तिरशूल उठाए, रूप ये सबके मन भाए। जिसने भी माँ का ध्यान लगाया, सर्वोत्तम फल उसने पाया, माता जो कृपा बरसा दे, होते हैं मजबूत इरादे। जिनके सर पे माँ का हाथ है, भक्ति शक्ति की सौगाते मिलती है उनको सब खुशियाँ। शैल पुत्री माँ तुम्ही नमन है, करता हंस राज लहन है, फौज सुरेश भी शरण तुम्हारी। चंद्रमा माथे
सजाई। चंद्र घंटा तिज कहलाई, असुरन के पड़े जान के लाले। चतुर्थी माँ कुशमांडा, माँ उपजाई सब ब्रह्मांडा। सत करुणामय माता हो, सारे जगत की माँ विख्याता। पंचम कहलाई, स्कंद कुमार की ये है माई। गोद बिठा किया प्यार दमा, हे नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओ युद्ध कला बेटे को सिखाई, ताड़ कसुर राक्षस मरवाई। कात्यायनी माता आदि जगत की माँ विख्याता। रात्रि माता हो, रूप देख असुरन घबराता।
रात पिया मैया ने सारा। से गंग बहाई मैया ने किया तेरे असना, नव दुर्गा तुम्हें प्रणाम। ओ शिव के संग में ब्याह रचाया, संग बैठी थी महामाया। के रूप में
समझाए। आई
उसका टुकड़ा उठाया। पकड़ने पीछे आया त्रिकुटा भागी फिर महामाया। लांगुर वीर ने प्यास बुझाई। छुपी हो मुंह क्यों छुपाया। कटा कहे माता माता जी।
माता, मैया जय शेर पुत्री माता।
माता, ओम जय शैलपुत्री माता।